हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बहुत अच्छी खबर, खुशी की खबर, क्या माहौल था उस वक्त जब ये लोग वतन वापस लौटे? राहत, खुशी या किसी भी तरीके का शब्द बयां नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर खुशी है क्योंकि वतन वापसी हुई है। आज लगभग 24 भारतीय समेत 11 नेपाली वर्ग के लोग इंडियन एयरबेस पर मौजूद हैं। हालांकि अभी उन्हें बाहर नहीं लाया गया है, उनकी कोविड टेस्ट चल रहा है, उसके बाद ही उनको यहाँ तक इंडियन एयरबेस की गाड़ी छोड़ेगी, जिसके बाद वो अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन रजनी, जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना का जो जहाज है C-17, वो लगातार जिस तरीके से काबुल से एयरलिफ्ट करके भारतीयों को यहाँ ला रहा है, वो एक अपने आप में काबिले तारीफ है। और अब भी भारतीय भी जान चुके हैं कि भारत सरकार का जो अहम एक्शन रहा है, यूं कहें कि एक मेन जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है, क्योंकि काबुल में जिस तरीके की परेशानियां भारतीय मूल के लोगों को होने जा रही है, लगातार उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और अब तक तकरीबन 650 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, जिनमें से कई बार 148 से ऊपर और आज जिस तरीके से 35 लोगों को लाया गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो भारत की सरकार है वो चाहती है कि एक भी भारत फूल का एक भी शख्स वहाँ पर भारतीय ही नहीं लौट रहे हैं, जो पड़ोसी देश के लोग हैं वो भी लौटे हैं, इसमें 11 नेपाली भी शामिल हैं। बिल्कुल, इसलिए आपको बता दें कि 11 नेपाली भी शामिल है। इससे पहले अफगानिस्तान के भी कुछ लोगों को यहाँ लाया गया था, जो अपने रिलेटिव के पास भारत से रुक सकते हैं। हालांकि उन्हें किस तरीके से वीजा मिलेगा वो एक अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एयरलिफ्ट किया गया है, अब तक तकरीबन 650 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। C-17 जो एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा इन लोगों को लाया गया है, काबुल से सीधा इंडियन एयरबेस लाया गया है। अभी उनके RT-PCR की रिपोर्ट आनी बाकी है, इसके बाद उन्हें यहाँ से बाहर के लिए रवाना किया जाएगा। इंडियन एयरबेस की गाड़ी खुद यहाँ पर उन्हें छोड़ने के लिए आएगी, इस समय मौजूद है इंडियन एयरबेस के गेट पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम एयरपोर्ट कर्मी वहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इतना ही नहीं, खुफिया विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जब ये लोग आएंगे तो इसके कागजात चेक किए जाएंगे और उनसे ये भी पूछा जाएगा कि वहाँ किस तरीके की इनको परेशानी फेस करनी पड़ी। साथ ही साथ जब ये इंडिया में आए हैं तो इनको पैसा लग रहा है, यानी कि कुल मिलाकर जो खुशी है तो कहीं ना कहीं शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। राहत जरूर मिली है, ये कहना आपका रजनी बिल्कुल ठीक होगा, राहत जरूर मिली है तालिबान से। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो जाहिर सी बात है खुश होंगे, थोड़ी देर बाद बाहर आएंगे तो प्रतिक्रिया भी मिलेगी। आप ताजा अपडेट देते रहिएगा, शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि काबुल से जो 35 लोग हैं वो भारत वापस लौट कर आए हैं, 24 भारतीय और 11 नेपाली। और काबुल से एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, बड़ी खबर आपको बता दें, टोलो न्यूज पत्रकार की हत्या,